Hi everyone, welcome back again to my channel Replenish Education and I hope you are doing good. So guys, आज वैकेंसी है आपके लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी से और जहां मल्टीपल वैकेंसीज रिलीज़ हुई है प्रोफेसर डायरेक्टर के लिए, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर, रिसर्च एसोसिएट, रिसर्च असिस्टेंट के लिए गाइज वैकेंसी है। सैलरी स्केल काफ़ी अच्छी आपको मिलने वाली है। 7 CPC के लिए परमानेंट रिक्रूटमेंट ये रहेगी, मल्टीपल आपके सब्जेक्ट्स रहेंगे। जान लेते गाइज सभी चीज़ें, और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप इसमें डेफिनेटली अप्लाई कर पाएंगे। ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है और सब चीज़ें जानेंगे कि आपको फॉर्म्स सेंड करने हैं या नहीं, आपका फ़ी क्या रहेगा और सब चीज़ें। सो देख लेते हैं सबसे पहले गाइस वैकेंसीज़ कहाँ से रिलीज़ हुई है। यहाँ पर है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ यूपी से गाइस वैकेंसी है और एप्लीकेशंस इन्वाइट किया गया है इंडियन नेशनल्स के लिए और रिक्रूटमेंट है आपके लिए टीचिंग पोस्ट के लिए। लास्ट डेट है ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए 30th of June। और यहाँ पर जो है हार्ड कॉपीज़ भी आपको शेयर करनी है। हार्ड कॉपीज़ सेंड करने की लास्ट डेट है 14th of July और हार्ड कॉपी विल नॉट बी रिसीव्ड। 14th of July के बाद रिसीव नहीं किया जाएगा। देख लेते हैं गाइज कौन कौन से सब्जेक्ट्स में वैकेंसीज रिलीज़ हुई है। फैकल्टीज़ ऑफ एग्रीकल्चर, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, इंटरनेशनल स्टडीज़, लॉ, लाइफ साइंस, साइंस, सोशल साइंस, थियोलॉजी, AMU सेंटर्स, वीमेन कॉलेजेस के लिए भी वैकेंसी है। तो यहाँ पर सबसे पहले इन्होंने कैटेगराइज ऐसे ही करके दिया हुआ है, इसी अकॉर्डिंग हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले 11th तक जो है यहाँ पर ये आपके पास है प्रोफेसर्स के लिए पोस्ट है। प्रोफेसर के लिए है इंग्लिश में, पर्शियन में, वेस्टर्न फिलॉसफी के लिए, फिलॉसफी, उर्दू, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, डिपार्टमेंट ऑफ बोटनी, म्यूजियोलॉजी और यहाँ पर है AMU सेंटर्स के लिए। एलिजिबिलिटी आपको पता है कि एलिजिबिलिटी अगर आपको प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना है तो PhD मस्ट है, उसके लिए रिसर्च पेपर्स भी होने चाहिए और साथ ही साथ आपका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। इसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी है 12 से 22 तक। एसोसिएट प्रोफेसर में इंग्लिश में वैकेंसी है, लिंग्विस्टिक में वैकेंसी है, संस्कृत वीमेन कॉलेज में, उर्दू डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू में है, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में वैकेंसी है, मॉडर्न अरेबिक में वैकेंसी है, बोटनी के लिए है, बायोस्टैटिस्टिक्स, इकोलॉजी, बोटनी, जूलॉजी एंड वीमेन, जूलॉजी जो है वीमेन में भी यहाँ पर रिलीज़ हुई है। इसके बाद चलते हैं गाइज एसोसिएट प्रोफेसर इन फंक्शन हिंदी में भी है और यहाँ पर चलते हैं आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसी। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसी यहाँ पर है डिपार्टमेंट ऑफ फाइन आर्ट्स में 1 पोस्ट रिलीज़ हुई है। और इसके बाद जहाँ इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो असिस्टेंट प्रोफेसर की बहुत सारी वैकेंसीज हैं देखने को मिलेंगी। असिस्टेंट प्रोफेसर होम साइंस के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर प्लांट पैथोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ अरेबिक, इंग्लिश वीमेन कॉलेज के लिए, डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी, डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी, उर्दू जो है वीमेन कॉलेज में भी है 2 और डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में है 6। ज्योग्राफी में है वेस्टर्न एशियन कल्चर एंड नॉर्थ अफ्रीकन स्टडीज़ में वैकेंसी है, डिपार्टमेंट ऑफ वेस्ट एशियन स्टडीज़, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, लॉ। बॉटनी में गाइज 1 वैकेंसी है, वीमेन कॉलेज में 1 है बॉटनी में, म्यूजियोलॉजी में वैकेंसी है 1, जूलॉजी में है यहाँ पर और जूलॉजी वीमेन कॉलेज में भी रिलीज़ हुई है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए काफ़ी सारी पोस्ट यहाँ पर है। असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री में, ज्योग्राफी, जूलॉजी, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स वीमेन कॉलेज में भी है, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री वीमेन कॉलेज में, मेडिवल इंडियन हिस्ट्री, एशियन हिस्ट्री, लाइब्रेरी के लिए वैकेंसी है, जर्नलिज्म, फिजिकल एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस अलग से वीमेन कॉलेज में भी है, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी और शिया थियोलॉजी। और यहाँ पर है वैकेंसी काफ़ी सारी जो आप देख भी पा रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर। इसके बाद है पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में। रिसर्च एसोसिएट के लिए भी गाइस वैकेंसी है, बट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको पता है कि PhD मैंडेटरी अभी तक नहीं है, बट अगर आपने किया है तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। नेट जो है वो मैंडेटरी है और कोई भी ऐसा नहीं है कि एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट होती है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, बट बात ये रहती है सिलेक्शन के लिए वो स्कोर्स के अकॉर्डिंग शॉर्टलिस्ट करते हैं, तो उसमें अगर आपका एक्सपीरियंस है तो ऑब्वियसली आपके मार्क्स ज़्यादा होने के चांसेस हो जाते हैं। रिसर्च एसोसिएट्स में वैकेंसी है गाइस सेंटर ऑफ प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड कल्चरल एडवांसमेंट ऑफ Muslims of India, assistant professor in costume designs, computer engineering sections, environmental engineering, mechanical engineering, civil engineering, electrical, mechanical engineering। गाइज यहाँ पर जो पोस्ट है assistant professor की, ये आपके पास साइंस बैकग्राउंड्स के लिए है। तो यहाँ पर अगर आप अप्लाई करते हैं तो बीई, बीटेक या बीएस या फिर एमई, एमटेक वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर नेट की ज़रूरत नहीं है, आपको फर्स्ट क्लास से आपकी डिग्री होनी चाहिए। साथ ही साथ आप यहाँ पर दूसरे सब्जेक्ट्स भी चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसी है। अब चलते हैं गाइस फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ एंड रिसर्च के लिए, प्रोफेसर के लिए वैकेंसी है। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस मस्ट होता है। असिस्टेंट प्रोफेसर भी चाहिए, यहाँ पर एक पोस्ट है, इसके लिए भी आपको जानकारी मिल जाएगी। तो आपको पता है कि आपको अगर अप्लाई करना है तो ऑनलाइन मोड में आपको अप्लाई करना होगा। इनका पोर्टल भी हम विजिट करेंगे, लिंक इन्होंने यहाँ पर भी दिया हुआ है, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। नॉन रिफंडेबल प्रोसेसिंग फ़ी रहेगा 500 रुपीज़ का, एंड इज़ टू बी पेड ओनली इन द ऑनलाइन मोड। जो हमारे PWD कैंडिडेट्स हैं उनको फ़ी से एग्जाम्प्ट किया गया है, और एप्लीकेंट्स मस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शन एज गिवन इन द एडवर्टीजमेंट एंड द यूज़र मैनुअल अवेलेबल ऑन द कैरियर्स पोर्टल। सक्सेसफुली आप ऑनलाइन सबमिशन करने के बाद आप प्रिंट आउट लेंगे, PDF बनाएंगे और उसका प्रिंट आउट निकालेंगे। उसके बाद क्या है आपका, उसके सिग्नेचर लगाएंगे, फोटोग्राफ जो है ये सब चीज़ें, और आपके जो डॉक्यूमेंट्स रहेंगे सेल्फ टेस्ट करके इनको पहुंचा देने हैं। डेट्स मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, ऑनलाइन की भी और ऑफलाइन की भी। एड्रेस इन्होंने यहाँ पर प्रोवाइड किया है कि जिस एड्रेस पर आपको पहुँचाना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको साथ में लगाने हैं, वो यहाँ पर इन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है। यहाँ से आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी। इसके रिगार्डिंग इस नोटिफिकेशन में इंपॉर्टेंट टर्म्स मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। आइए चलते हैं इनके पोर्टल पर। फ्रेंड्स, इनका पोर्टल है amu.ac.in और यहाँ पर है ऑनलाइन जॉब एप्लीकेशंस, और इसको करेंगे प्रेस, और यहाँ पर जो है आपको एडवर्टीजमेंट देखने को मिलेगी 2/2022, और यहीं से आप जो है वो डाउनलोड करेंगे, व्यू कर लेंगे, PDF डाउनलोड कर लेंगे। कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है प्रोसेस इन्होंने यहाँ पर भी दिया हुआ है। यूजर मैनुअल जो आपको मैंने बताया था कि कैरियर पोर्टल पर भी अवेलेबल होगा, और यहाँ से गाइज आप जो है सबमिट कर सकते हैं, सब चीज़ें कर सकते हैं। ईजिली आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी। स्टेप्स टू फिल द ऑनलाइन एम्प्लॉयमेंट एप्लीकेशन फॉर्म। सो गाइज, आई रियली होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई है। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें गाइज, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।